और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय फिर से प्रीता एंट्री करेगी करण के ऑफिस में, और साथ में आप लोग जानते हैं राजवीर के ऑफिस में, क्योंकि दोस्तों राजवीर और करण कोई और नहीं है बल्कि इसी घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वहीं पे बात की जाए तो कहानी में असली ट्विस्ट आना तो दोस्तों अभी बाकी है, जहां पर सभी लोग थोड़े नहीं बल्कि इस समय बहुत बड़े कन्फ्यूजन और कसम कस की स्थिति में नजर आने वाले हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्योंकि जहां तक बात की जाए इन लोगों की, तो इन लोगों को पता है कि कब क्या कैसे और क्यों करना है। वहीं बात की जाए निधि की, तो निधि लगातार अपने प्लान को अपने तरीका से करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि निधि की बात मानी जाए तो निधि ने बहुत पहले ही बोल दिया था इस चीज़ को कि मैं अपना गेम अपने तरीका से खेलूँगी, मेरा गेम को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। वहीं बात की जाए तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि निधि की सच्चाई जल्दी ही लोगों के सामने आ जाएगी। हालांकि निधि ने फंसाने की कोशिश जो की थी राजवीर को वो तो काम नहीं आई, लेकिन अभी बहुत कुछ कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आने वाला है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। वहीं बात की जाए इस समय करण की, तो करण ने बोल दिया है इस समय प्रीता से, क्योंकि अब वो प्रीता से मिलेगा और प्रीता से बोलेगा भाई कि तुम मेरी प्रीता हो। हालांकि दोस्तों अभी प्रीता कोई भी जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि दोस्तों प्रीता को ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है, और उसे पता नहीं है कि आखिरकार करे तो करे क्या, करे तो करे कैसे। लेकिन उसे सिर्फ इतना तो ज़रूर पता है कि ना जाने क्यों कुछ ना कोई रिश्ता ज़रूर है मेरा इनके साथ में, तभी ये लोग